फेसबुक प्यार और बदला। ये फिल्मी कहानी है बड़पुरा गांव की पायल की, जिसने पहले फेसबुक के माध्यम से एक लड़के से प्यार किया, उसके बाद उस प्रेमी के साथ मिलकर एक लड़की की हत्या कर दी। उस लड़की के शव को खुद का साबित करने के लिए सुसाइड नोट तैयार किया, उसको अपने कपड़े पहनाए और प्रेमी के साथ फरार होकर उससे शादी कर ली और फिर अपने माता पिता के मौत के जिम्मेदार लोगों की हत्या की साजिश में जुट गई। दादरी थाना क्षेत्र के बटपुरा गांव की रहने वाली पायल रविंद्र भाटी और राकेश की इकलौती बेटी थी। उसने बीए तक की पढ़ाई की है। वो अपने माता पिता से बहुत प्यार करती थी, लेकिन माता पिता ने एक साथ खुदकुशी कर ली और वो इससे काफी दुखी हो गई। उसके बुआ के लड़के और भाई के ससुराल वालों पर उसके माता पिता को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगा था। उन दोनों की खुदकुशी के बाद उसने भी खुदकुशी की कोशिश की, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती किया गया। लेकिन वो अपने माता पिता की मौत के लिए जिम्मेदार लोगों से बदला भी लेना चाहती थी। इसी दौरान पायल की दोस्ती फेसबुक के माध्यम से सिकंदराबाद थाना क्षेत्र के महेपा गांव के अजय ठाकुर से हो गई और ये दोस्ती उनकी आगे बढ़ गई। अजय सिकंदराबाद थाना क्षेत्र के महेपा का रहने वाला है और वो पहले से ही शादीशुदा है। उसके दो बच्चे भी हैं। वो भी अचानक अपने घर से लापता हो गया था और 14 नवंबर को उसके परिजनों ने सिकंदराबाद थाने में शिकायत भी दी थी, जिस पर पुलिस ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की थी और उसकी तलाश कर रही थी। पायल अजय से शादी करना चाहती थी, लेकिन उसे डर था कि उसके घर वाले इसके लिए राजी नहीं होंगे, इसलिए उसने अजय के साथ मिलकर एक योजना बनाई। एक तीर से दो निशाने लगाने चाहिए, पहला ये कि उसकी अजय से शादी हो जाए और दूसरा वो अपने माता पिता की मौत के जिम्मेदार लोगों से बदला ले सके। इसलिए उसने अजय को अपनी योजना के बारे में बताया कि वो किसी लड़की को गांव लेकर आए जो बिल्कुल उसके जैसे ही कदकाठी की हो। अजय उसकी योजना के बारे में जुट गया और गौर सिटी मॉल में काम करने वाली एक लड़की से उसने दोस्ती बना ली। पुलिस का कहना है कि वो लड़की कॉल गर्ल भी थी, जिसके बाद अजय ने उसको 5,000 का लालच दिया और 12 नवंबर को उसको लेकर बड़पुरा गांव पहुंचा, जहां पर पायल और अजय ने धारदार हथियार से उसकी हत्या कर दी और फिर उसकी पहचान छुपाने के लिए उसके चेहरे को खराब कर दिया। पायल ने खुद का सुसाइड नोट तैयार कर और अपने कपड़े उसको पहना दिए और दोनों मौके से फरार हो गए। इस दौरान घर में मौजूद लोगों को पहले से ही पायल के खाने में नशीला पदार्थ मिलाकर उनको बेहोश कर दिया, ताकि किसी को कोई भी भनक ना लगे। पायल के परिवार वालों ने पायल समझकर उस लड़की का दाह संस्कार कर दिया और इस बारे में पुलिस को कोई भी सूचना नहीं थी। लेकिन गौरसिटी मॉल से गायब हुई लड़की के परिजनों ने बिसरख थाने में गायब हुई लड़की के बारे में तहरीर दी और उसकी गुमशुदगी दर्ज कराई गई और पुलिस उस लड़की की तलाश में जुट गई। पुलिस जब इस मामले की जांच कर रही थी, तब पुलिस को उस लड़के के फोन की लोकेशन बड़पुरा मिली। पुलिस जब वहां जांच करने के लिए गई तो पता चला कि 12 तारीख को ही यहां एक लड़की की मौत हुई थी और उसके बाद फिर ये कड़ियां मिलती हुई चली गई और पुलिस ने इस दौरान पायल और अजय को हिरासत में ले लिया। बताया ये भी जा रहा है कि पायल ने अपने माता पिता की मौत के जिम्मेदार लोगों को मारने के लिए हथियार भी खरीद लिए थे। पायल का मकसद अपने माता पिता की मौत का बदला लेना था। वो खुद को पहले ही मृत साबित कर चुकी थी। अगर ऐसे में उसके माता पिता के जिम्मेदार लोगों की हत्या हो जाती तो उसका जिम्मेदार पायल को नहीं माना जाता, इसलिए उसने खुद की मौत का पूरा स्वांग रचा और अजय से शादी करने के बाद वो इस तैयारी में जुट गई। आज पुलिस इस मामले में प्रेस वार्ता करेगी और इस पूरे खुलासे पर संक्षेप में जानकारी देगी। अम्मा नाम की लड़की की मिसिंग लिखी गई थी, जिसमें जब इन्वेस्टिगेशन किया गया तो एक मर्डर निकला। इसमें दो प्राइम सस्पेक्ट हैं, जो अभियुक्त हैं उनको अरेस्ट किया गया है। इसका नाम पायल भाटी है और दूसरा अजय ठाकुर है। ये दोनों रिलेशनशिप में हैं। ये घटना की कहानी कुछ महीने पूर्व शुरू हुई, जब पायल के भाई अरुण की शादी हुई थी। अरुण ने अपनी शादी में अपने बुआ के लड़के सुनील से कुछ पैसा उधार लिया था। उसके अलावा अरुण के अपने ब्रदर इन लॉ जो हैं, जो इसकी वाइफ स्वाति के भाई हैं, उनसे भी अनबन चल रही थी। इन सभी बातों को लेकर इनके घर में तनाव रहता था, जिसके बाद डिप्रेशन में आकर इन दोनों के माँ बाप ने, पायल और अरुण के माँ बाप ने आत्महत्या करी थी, जिसका जिम्मेदार पायल सुनील को और अरुण के ब्रदर इन लॉज को और उसकी वाइफ को मानती थी। इसको लेकर इसने और अजय ने इनकी हत्या की योजना बनाई, लेकिन इन्हें यह ज़रूरी लगा कि इनकी हत्या करने से पहले यह ज़रूरी है कि पायल अपनी आइडेंटिटी को छुपाए और अपनी डेथ को फेक करे। इसके लिए अजय ने हेमा नाम की लड़की से संपर्क किया, जिसकी बिल्ट, हाइट, वेट, कॉम्प्लेक्शन पायल से मिलता जुलता था, और उसे पायल के घर बुलाया। उस रात पायल ने अपने घर में सभी लोगों को स्लीपिंग पिल्स डिनर में दी थी। उसके बाद जब हेमा को अजय इनके घर पर लेकर आया, तो इन दोनों ने गला रेतकर उसकी हत्या कर दी। हत्या करने के बाद
पायल ने हेमा के मुंह पर खोलता हुआ टेल डाला और उसकी जो गले पे इंजरी है वहाँ पर भी खोलता हुआ टेल डाला जिससे आइडेंटिटी और इंजरी दोनों को छुपाया जा सके। उसके बाद उसके रिस्ट पर कट बनाए और अपने कपड़े पायल ने हेमा को पहनाए और एक सुसाइड नोट लिखा जिसमें उसने बताया कि कुकिंग करते समय उसके चेहरे पर तेल गिर गया था जिससे डिप्रेशन में आकर के उसने ये कदम उठाया है। अगले दिन हेमा की बॉडी को पायल का मानते हुए घर वालों ने उसका अंतिम संस्कार कर दिया। इस घटना को कारित करने के बाद ये दोनों लोग पायल और अजय बुलंदशहर साइड निकल गए जहाँ पर इन्होंने अपनी मेन घटना को अंजाम देने के लिए एक कंट्री मेड पिस्टल और कुछ कारतूस भी खरीदे और जो इनके प्राइम टारगेट्स हैं उनकी रेखी भी करी लेकिन उसकी हत्या करने में ये लोग सफल नहीं हो पाए। इस पूरे प्रकरण में हेमा की गुमशुदगी थाना बिसरक पर लिखी गई थी। यहाँ पे थाना बिसरक पुलिस टीम ने बहुत प्रोफेशनल तरीके से इसमें एविडेंस कलेक्ट किया है। विशेष तौर पे जो सब इंस्पेक्टर उपेंद्र हैं जिनके पास इस मिसिंग की शुरुआती जांच थी उन्होंने बहुत प्रोफेशनल तरीके से और बाकी टीम ने SHO बिसरक ने पूरे प्रोफेशनल तरीके से इसको हैंडल किया है केस को। बाकी चेन ऑफ कस्टडी बनाई जा रही है, एविडेंस कलेक्ट किए जा रहे हैं। ग्रेटर नोएडा से टाइम 24 न्यूज़ के लिए भूपेश प्रताप की रिपोर्ट।